जबलपुर में अनलॉक वन में मिली छूटों से लोग कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो चले हैं। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलते हैं, जिससे ट्रैफिक समस्या बनती जा रही है। यातायात डीएसपी मयंक सिंह ने बताया, खासतौर से नो पार्किंग में वाहनों को खड़ा करना मानो फैशन बन चुका है। ऐसे में शहर की यातायात पुलिस ने कार्रवाई को सख्त कर दिया है। बुधवार को नो पार्किंग में बड़ी संख्या में खड़े दुपहिया और चौपहिया वाहन क्रेन द्वारा उठाए गए और उन्हें यातायात थाने लाया गया। वाहन मालिकों को जब पता चला तो वे थाने पहुंचे और जुर्माना भरने के बाद ही उनके वाहन छोड़े गए। चाहे चार पहिया वाहन हो चाहे दो पहिया वाहन हो, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उनको क्रेन की मदद से उनको टो किया जा रहा है, चार पहिया वाहन। इसी प्रकार से जो दो पहिया वाहन आम रोड पर वाहन खड़े कर देते हैं और यातायात अवरुद्ध होता है, तो ऐसे वाहनों पर भी हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। उनको नगर निगम की जो कैटल वाहन है उसमें हम उनको रख के और सुरक्षित थाने में खड़े करवाते हैं, और जब ऐसे व्यक्ति आते हैं तो उनका नियमानुसार चालानी कार्रवाई भी की जाती है और उनको हिदायत भी देते हैं कि आप आगे से इस प्रकार से वाहन खड़े ना करें, जिससे आम लोगों को तकलीफ हो, उनको परेशानी हो। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।